परिवर्तन ठीक ठाक काम करवाया है, ऐसा कुछ लास्ट माहौल में अब काम करवा रहे हैं, पहले तो कुछ काम किया नहीं। आरएलपी का काफी दबदबा है यहाँ, हम सोचते हैं तो नागौर से ऐसा ही चाहते हैं कि वो हनुमान बेनीवाल जीते। हनुमान जी के राज में और लूडी शाह के राज में कुछ दिक्कत नहीं होगी, दोनों किसान नेता है, दोनों बढ़िया काम करते हैं, किसान की सुनते हैं, गरीब की सुनते हैं, दोनों गरीब के दास है। तो हम किसान त्रस्त हैं, नहीं तो हमें पूरा भाव मिलता अनाज का, चाहे मोट हो, चाहे ग्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे तिल हो, तो उसका हमें भाव नहीं मिलता। आरएलपी के समर्थक है, चाहे कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे ना दे, इस बार आरएलपी का प्रथम दे रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम गोर्धन। कहाँ से हैं? हम विधानसभा क्षेत्र लोआउट जोधपुर जिला लोआउट से हैं। कौन है अभी आपके यहाँ का विधायक? हमारे यहाँ का विधायक है कृष्णाराम जी, है बिश्नोई, कांग्रेस पार्टी से। पिछले चुनाव में 1,40,000 मतों से विजय हुए थे और उनको हमने बनाया था, वो है हाल फिलहाल हमारे यहाँ के विधायक। अच्छा काम कर रहे हैं? तो काम देखो कि वो पहले जब चुनाव था तब 2018 में, तब तो उसका बहुत अच्छा ये काम भी अच्छा, वादा भी अच्छा कर रहे थे। और अब हाल फिलहाल कृष्णाराम जी का इतना मतलब मतभेद है पार्टी, जैसे कांग्रेस में वो है विधायक है कांग्रेस में, और कांग्रेस के भी पुरानी टाइम में वो वहाँ से लोआउट में सत्यनारायण जी है, उनके दादा परदादा दो तीन पीढ़ी से कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी के मतलब परिवार के सदस्य वगैरह वो है, लेकिन वो ऐसे है जो एक आप खाली अपना ही रखना, अपना ही डंका बजा रहे हैं खाली, हाँ अपनी चला रहे हैं, किसी को पार्टी में आगे बढ़ने नहीं देता। बाकी लोआउट विधानसभा क्षेत्र से मतलब 55,000 वोट जाट वोट है और 50,000 वोट बिश्नोई वोट है, और बाकी वो हम जाट 15 साल से मतलब बिश्नोई कैंडिडेट कांग्रेस का, वो पहले दो बार वो गजेंद्र सिंह खींवसर थे और उसके बाद में ये कृष्णाराम जी कांग्रेस से बने, और कांग्रेस से कृष्णाराम जी है, लेकिन वो मतलब ऐसी कोई बात नहीं, हम लोआउट से हम जाट भी हमारी मीटिंग सभा बनाई और हम भी टिकट दावेदारी कांग्रेस सरकार से टिकट मांगने की दरख्वास्त कर रहे हैं, भाई हमारे जाट कोई भी वो बहुमूल्य जाट अच्छा आदमी हो। अभिषेक जी चौधरी साहब भी पिछले दिनों वो कावड़ यात्रा करके बहुत भारी जाट महासभा की थी लोआउट में, और हम भी टिकट अगर जाट को टिकट मिले कांग्रेस से अब की बार तो हम वोट कांग्रेस को देंगे। केवल कांग्रेस पार्टी का ही माहौल वहाँ पे होता है? कांग्रेस पार्टी का ही है माहौल, बीजेपी का ही है और आरएलपी का भी माहौल जोरों तोरों से है, ऐसी कोई बात नहीं है। आरएलपी का अभी तक कुछ नया चेहरा सामने नहीं, हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो उन्होंने नहीं अभी तक कोई चेहरा सामने लाया, लेकिन हम आरएलपी के हैं। हम पिछले टाइम से तब बेनीवाल साहब ने पार्टी बनाई तब से ही हम तो आरएलपी के हैं, और वो अगर किसी को भी चुनाव में टिकट देंगे लोआउट विधानसभा क्षेत्र से तो हम जोरों तोरों से उनके साथ हैं। और हमारे जो आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब हैं उनके लिए हमारा दिल में बहुत बहुत ठीक हो गए, ये बात है। और बाकी मतलब जनता लोआउट की जनता कृष्णाराम है ना, उस पर थोड़ी बहुत अब लोआउट की जनता दुखी है। धन्यवाद। आपका नाम भाई? मेरा नाम ईश्वर है। कहाँ से आप? लोआउट से। क्या कुछ है चुनावी माहौल लोआउट में? चुनावी माहौल तो अभी वर्तमान MLA तो कृष्णाराम जी है कांग्रेस से, और बाकी आगे तो बीजेपी से दो तीन कैंडिडेट है, कांग्रेस से भी दो तीन है, जैसे एक अभिषेक चौधरी है, एक सत्यनारायण विश्नोई है कृष्णाराम में, तीन कैंडिडेट मतलब दावेदारी ठोक रहे हैं। और आरएलपी का भी अच्छा माहौल है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है हमारी, और हम लोआउट विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन ला कर देखेंगे। आरएलपी के समर्थक है, चाहे कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे ना दे, इस बार आरएलपी का प्रथम ले रहेंगे। जो बीजेपी का वहाँ कुछ? बीजेपी का भी अच्छा दायित्व है, 10 साल से पिछली बार MLA है बीजेपी के वोटर अच्छे हैं, है लेकिन 10 साल में कुछ ज़्यादा अच्छा विकास नहीं हुआ पिछली बार, और 5 साल में भी जो कांग्रेस थी उसमें कोई अच्छा नहीं देखा, ठीक है विकास है। आरएलपी में क्या अच्छा लगता है? आरएलपी तो जो बेनीवाल साहब के जो वादे हैं, जैसे टोल मुक्त राजस्थान है और कर्जा मुक्त है किसान, बिजली मुक्त मतलब बिजली बिल, रोजगार वगैरह, जो भी आरएलपी के मुद्दे हैं उस मुद्दे पर खरी उतरेगी तो आरएलपी अच्छी है पार्टी।
लोग लोहाट विधानसभा से आए यहाँ पर इतने बड़े मेले में, यहाँ सब व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक है, इधर तेज धर्म स्थली सेवा समिति उसने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, अच्छा मेला है, शांतिपूर्वक व्यवस्था अच्छी। क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ से आप? मैं पीलवा से हूँ। कौन सी कौन है आपके विधायक अभी? ये लोहाट वाले कृष्णा राम जी। हाँ सर। कैसा काम कर रहे हैं? ठीक ठाक है, अभी पीलवा में तो विकास ठीक ही कराया है, लेकिन हम तो आरएलपी के समर्थक ही है। आपके फिर क्या परिवर्तन? परिवर्तन ठीक ठाक काम करवाया है, ऐसा कुछ लास्ट माहौल में अब काम करवा रहे हैं, पहले तो कुछ काम किया नहीं। ठीक है, अभी तो चल रहा है, वैसे चल। चुनाव में क्या देख रहे हैं, आरएलपी बीजेपी कांग्रेस? मैं तो आरएलपी देखना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट आरएलपी को उतरेगा तो आरएलपी को ही वोट देंगे हम तो। हाँ जी। क्या पसंद है हनुमान बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल के जो वादे हैं वो पसंद है हमें। आते हैं आप लोग के बीच? हाँ जी जरूर आते हैं, हम जहाँ कॉलेज में थे वहाँ पे भी आते थे और यहाँ पे भी आते हैं, हमारे जब बुलाते हैं तब आते हैं। युवाओं में इतना क्रेज क्यों है उनके लिए? बेनीवाल के लिए युवाओं में क्रेज तो ऐसे ही है, जो कॉलेज टाइम से देख रहे हैं हम, बहुत अच्छा क्रेज है, जो वादे करते हैं वो उन पे खरे उतरते हैं और कैंडिडेट बहुत बढ़िया निकालते हैं। दादा आपका नाम? जसूराम कोदन चित्ताना। कहाँ से? नौका तहसील से, बीकानेर जिला। कौन सी विधानसभा है? नौका विधानसभा। कौन विधायक है? विधायक अबार बिहारी लाल है, बिश्नोई। पार्टी? बीजेपी से है। काम कैसा कर रहे हैं? काम कैसा कर? उनकी सरकार है नहीं, सरकार कांग्रेस की है, इसीलिए उनसे होता है व्यक्तिगत काम करते हैं, बाकी वैसे तो उनकी कोई सरकार है नहीं, इसलिए ज्यादा काम तो कर नहीं सकता। फिर भी विधायक नीतीश जो आ रहा है उससे विकास कर, जैसे किसी से बुरा किसी का नहीं किया है, किया है उसका भला किया है सरकार ने, इसीलिए उनका काम ज्यादा हुआ नहीं। तो आपकी विधानसभा में आपके यहाँ क्या माहौल है, किसकी पार्टी की तरफ? देखो अब ऐसा है कि पहले था, अब हमारे पैक्ट चेंज हो गया है, पहले ऐसा था कि बीजेपी से बिहारी लाल लड़ता, एक सेठ नितिन लड़ता, रामेश्वर लाल डूडी लड़ता नौका विधानसभा चुनाव, तब तो ज्यादा चांस था रामेश्वर डूडी का। अब देखो कंटेस्ट टक्कर होगी कन्हैया लाल झंवर की और बिहारी लाल की, अब हो सकता है भाई बिहारी तो बीजेपी से है, कन्हैया लाल है वो निर्दलीय लड़ेगा, अब कांग्रेस अभी तक तय नहीं है किसको मिलेगी। आरएलपी का आपके यहाँ क्या कुछ है? आरएलपी का काफी दबदबा है यहाँ, हम सोचते हैं तो नागौर से ऐसा ही चाहते हैं कि वो हनुमान बेनीवाल जीते भाई, यहाँ पर तो से ज्यादातर हनुमान बेनीवाल का ही है और ज्यादा से जुड़ा हुआ है, लोगों के गाँव से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। नागौर में विकास दिखता है? जैसे हड़के मगर हम देखिए तो वो अच्छी है, बाकी तो घर घर हम काम कहाँ पूछा है, पर सड़कें और देखते हैं तो विकास ठीक है, सड़क बिजली पानी यही मेन। हाँ भाई इनमें ये बढ़ चढ़ के भाग लेता है, किसानों की आवाज़ बनते हैं भाई, किसानों की आवाज़ अनुमानी तो है, वो यही कहता है भी कौन सी भी जाति हो किसान किसान है, और वैसे देखा जाए तो हम किसान त्रस्त हैं, नहीं तो हमें पूरा भाव मिलता अनाज का, चाहे मोट हो चाहे ग्वार हो चाहे बाजरा हो चाहे तिल हो, तो उसका हमें भाव नहीं मिलता। आप भी किसान खेती करते हैं, उसमें पूरा हिसाब जोड़ते तो खेती लॉस में जा रही है। किस चीज़ की खेती करते हैं? हम देखो मोट मूंग बाजरा और गुआ, यही बिरयानी खेतियां करते हैं। की तो फसल बर्बाद हो गई होगी ना भाई, अब की बार तो विशेष हुआ बर्बाद होने का कारण ये हो गया कि ये एक महीने तक बरसात हुई नहीं, पहले पहली बार बालिया उनके कुछ मूंग हुआ है, पाजी दोबारा बा भाई वो उसमें क्या है धान होने की संभावना बहुत कम है, क्यों वहाँ धाप के बरसात हुई नहीं, इसलिए मामला अकाल का है। क्या नाम है आपका? महिपाल। कहाँ से? जैतारण से। कौन सी विधानसभा? जैतारण। कौन विधायक आपके? मेरा अविनाश गहलोत है। अच्छा पाली वाले। अच्छा वहाँ तो बीजेपी बीजेपी है। हाँ बीजेपी है। ऐसा क्यों? ऐसा कि उनका जैसे रेगुलरली दबदबा है उनका, जैसे लंबे वक्त से मेरे आज तक कांग्रेस से एक रिटायर्ड कर्नल था वही कांग्रेस से जीता था, एक बार निर्दलीय से दिलीप चौधरी जीता, बाकी बीजेपी ही जीती कंटिन्यू। ये कांग्रेस और निर्दलीय वहाँ कुछ नहीं कर पाए, आरएलपी जाएगी तो कुछ कर पाएगी वहाँ? हाँ आरएलपी भी का कुछ काफ़ी है अब की बार, जैसे इनको अविनाश नहीं इनको रोहित गुजर को है, कृष्ण सिंह गुजर और रोहित गुजर को एक को टिकट मिलेगा आरएलपी से, अब की बार है जैसे मान लो घोषणा हो जाए तो उसके बाद में इनका होगा। नेता के तौर पर बेनीवाल कैसे हैं? जोरदार है, हमारे लिए तो फेवरेट है, जैसे केंद्र में अपने मोदी है उससे लेवल के मानते हैं। हाँ राजस्थान में बेनीवाल है। आप कहाँ? चित्ताना से। बुराराम नाम है। नौखा बिहारी लाल बिश्नोई है विधायक। जिला कौन सा? बीकानेर। बीजेपी से? हाँ बीजेपी से। काम कैसा कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे तो रूडी साहब आएंगे अब की बार। हाँ परिवर्तन खोल के होएगा, परिवर्तन
100% डूडी साहब आएंगे। आरएलपी का उधर कैंडिडेट बढ़िया नहीं है और एडवांस जी उधर डूडी साहब के सामने कोई खड़ा भी नहीं करता है। वैसे हमारे 100 बीघा जमीन खींवसर में भी है, खींवसर में हम एडवांस जी का सपोर्ट फुल करते हैं। दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होती है। अडवान जी के राज में और रूडी शाह के राज में कुछ दिक्कत नहीं होगी। दोनों किसान नेता हैं, दोनों बढ़िया काम करते हैं, किसान की सुनते हैं, गरीब की सुनते हैं, दोनों गरीब के दास हैं। बाबूराम कहाँ से? क्यूसर से। क्यूसर से कैसा विकास हुआ क्यूसर में? बहुत अच्छा हुआ है, सड़कें बहुत हैं, पानी भी मिल रहा है मीठा, सब तरह की सुविधा, कोई कमी नहीं। ये गाँव क्यों छूट गया विकास? सड़क नहीं बनी अभी तक? बन जाएगी अभी, नहीं बनी 15 साल से क्यों नहीं बन पाई? 15 साल से बनी है, पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। क्या था पहला? तेजाजी तो रहे होंगे? तेजाजी हाँ, रोड नहीं थी। सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी ना? नहीं, तेजाजी तो है ही भाई, सड़कें नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी पानी की पीने की, अब सब सुविधा है। कि चुनाव में क्या लग रहा है खेसर में? आरएलपी है चुनाव में, और कोई क्यों नहीं है? नहीं आते नहीं है कोई, 5 साल दिखते नहीं है। आपके गाँव में विकास हुआ है? बहुत, हम सब कुछ, हमारे गाँव में पहले कॉलेज नहीं थी, अभी कॉलेज भी है और गर्ल्स कॉलेज है। गर्ल्स कॉलेज है, कॉलेज के गर्ल्स कॉलेज है, 5 लाख सीधा में गर्ल्स कॉलेज है, पहले नहीं थी। तो चुनाव में क्या लग रहा है? आरएलपी है और मीठा पानी है, रोड बन गई लमसम, मतलब पूरे गांव में रोड है, ऐसी कोई रोड नहीं जो है नहीं। और भी रोड सेंक्शन हुई है, बनी बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गा राम। कहाँ से हैं? नागौर से। नागौर विधानसभा से? नागौर विधानसभा से। हाँ, नागौर से। तो क्या करने आए? यहाँ पर ग्रामीण खेल कूद के अंदर टीम प्रभारी के रूप में आया हूँ। अपने बच्चों को लेके? हाँ, बच्चों को लेके। कौन से खेल में? शूटिंग बॉल के अंदर। कैसा काम कर रही है कांग्रेस सरकार? बढ़िया कर रही है, हाँ बिल्कुल बढ़िया। हेलो सर, आपके काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। क्या क्या अच्छा काम किया उन्होंने? इंदिरा रसोई का किया था और महंगाई पर भी इन्होंने अंकुश लगाया और विकास भी कर रहे हैं, वो भी बढ़िया कर रहे हैं। क्या लग रहा है दोबारा आ जाएंगे? दोबारा तो देखो आ जाएंगे। आप नागौर से हैं, नागौर में हनुमान बेनीवाल काम कैसा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग के बीच आते हैं वो कभी? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी उनकी पार्टी कैसा काम, कैसा प्रदर्शन करे? उनकी पार्टी अपने जगह पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी का क्या कुछ है यहाँ पे? बीजेपी का नहीं है, नहीं है।